प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है कौन बनेगा राजा। सूर्यगढ़ के महाराज विक्रम प्रताप अपने नाम की ही तरह यशस्वी और शूरवीर थे। उनका सारा जीवन प्रजा की भलाई में ही बीता। सभी लोग महाराज विक्रम प्रताप के राज्य में सुखी थे। महाराज के परिवार में कोई भी नहीं था जिसे अपने बाद सूर्यगढ़ का साम्राज्य सौंप देते। बहुत ही मुश्किल की घड़ी थी। आखिर पूरे राज्य का सवाल था, और राज्य तो लोगों, पशु पक्षियों, वन जल, नदियां, तालाब और पहाड़ सभी से मिलकर बनता है। इन सभी को संभालना राजा का कर्तव्य भी है और योग्यता भी। बस इसी उधेड़ बुन में महाराज ने अपने बहुत से सलाहकारों से बात की, पर महाराज किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। एक बार ख्याल आया कि क्यों ना अपने मित्र राज्य चंद्रगढ़ के साथ समझौता करके उन्हें ही अपना राज्य सौंप दूं। लेकिन कुछ सोच विचार करने पर उन्हें लगा कि क्या चंद्रगढ़ के राजा मेरे प्यारे राज्य और अपने राज्य को एक समान प्यार और खुशहाली दे पाएंगे। शायद नहीं, क्योंकि कितना ही अच्छा राजा क्यों ना हो, कभी कभी अपनी प्रजा की भलाई के लिए दूसरे राज्य के लोगों के साथ अन्याय कर ही देता है। खैर, महाराज विक्रम प्रताप को बागवानी का बहुत शौक था। अपने शाही बाग का ध्यान वो खुद रखना पसंद करते थे। एक दिन बाग में टहलते हुए उन्हें विचार आया कि राज्य के लोगों से ज्यादा राज्य को कौन प्यार कर सकता है, क्यों ना मैं अपनी प्रजा में से ही अपने उत्तराधिकारी को चुन लूं। महाराज ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी सूर्यगढ़ का राजा बनना चाहता है, इसी मंगलवार को राजमहल में पहुंचे। ये घोषणा सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। शामू सब्जी वाला भानु दूध वाले से बोला, भानु भैया, अगर मैं राजा बन गया तो सबसे पहले इस चक्की वाले माधव की चक्की बंद करवा दूंगा। पर भानु तो भोला नाई की दुकान बंद करवाना चाहता था। और इन्हीं सब बातों के बीच मंगलवार भी आ गया। राजा विक्रम प्रताप ने राजा बनने आए सभी लोगों से कहा, आप सभी को मैं कुछ पौधों के बीज दे रहा हूं, आप इन्हें अपने घर या अपने खेत में जहां चाहें बो दीजिए। इनसे निकलने वाले पौधों की देखभाल कीजिए। एक साल के अंत तक जिसका पौधा सबसे ज्यादा स्वस्थ होगा, मैं उसी को राजा बना दूंगा। लोगों ने घर जाकर वैसा ही किया। काफी दिन बीत गए, मगर बीजों से पौधे निकल ही नहीं रहे थे। सभी लोग परेशान हो गए। फिर एक दिन चक्की वाले माधव के बीजों से कुछ पौधे निकल आए। अब सब्जी वाले शामू को चिंता हो गई कि कहां तो मैं चक्की बंद करवाने वाला था, पर अब तो लगता है कि माधव मेरी ही सब्जी की दुकान बंद करवाएगा। पर कुछ दिन बाद सभी लोगों के बीजों से पौधे निकल आए। पौधों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, इस पर सभी एक दूसरे को ज्ञान देने लगे। भोलू नाई बोला, मैं तो भाई 2 कप पानी सुबह और आधा कप पानी शाम को अपने पौधों को देता हूं, इससे ना एक बूंद ज्यादा ना एक बूंद कम। भानु दूध वाले ने बताया, मैं तो अपनी गाय के शुद्ध गोबर में फूलों की पत्तियां मिलाकर बहुत ही बढ़िया खाद बनाता हूं, देखो तो मेरे पौधे कैसे लहरा रहे हैं। ये सब बातें सुनकर हरिया कुमार का बेटा सत्तू सोचने लगा, साल भर होने को आया है और मेरे बीजों से तो एक भी पौधा नहीं निकला। उसे विश्वास हो चला था कि उसने जरूर कुछ गड़बड़ की है। आखिर वो दिन आ ही गया जब सूर्यगढ़ को उसके नए महाराज मिलने वाले थे। सभी लोग तैयार होकर अपने पौधों को सजाकर राजमहल पहुंचे। लेकिन सत्तू अपने घर में ही था, वो क्या करता जाकर, उसके बीजों से तो कुछ भी नहीं निकला। सत्तू को उदास देखकर उसकी मां ने उसे समझाया, देखो बेटा, तुमने अपना काम ईमानदारी से किया, अब काम अच्छा हुआ या बुरा इसका फैसला तो महाराज को करना है, तुम्हें या किसी और को नहीं। मेरी मानो तो तुम राजमहल जाओ। सत्तू अपना गमला लेकर राजमहल पहुंच गया।
महाराज विक्रम प्रताप ने सभी लोगों के पौधे देखे। माधव का पौधा सबसे ऊंचा था तो शामू के पौधे पर फूल ही फूल थे। किसी का पौधा घना था तो किसी का चमकीला। महाराज ने सबके पौधे देखने के बाद कोने में रखे सत्तू के गमले को देखा। उन्होंने सत्तू को बुलवाया और सभी लोगों को बताया कि आज सूर्यगढ़ की मिट्टी ने अपना राजा चुन लिया है। आप सबके नए महाराज सत्यवीर यानी सत्तू ही हैं। सभी लोग हैरान थे, ये कैसा फैसला? सत्तू के गमले में तो एक भी पौधा नहीं है। हमारे पौधे देखो कितने हरे भरे हैं, कितने स्वस्थ, कुछ पर तो फूल भी आ गए हैं। ये कैसा इंसाफ महाराज, सत्तू कैसे राजा बन सकता है? महाराज ने सभी को बताया, जो बीज मैंने प्रजा में बंटवाए थे वो पानी में उबाले हुए बीज थे, जो कभी भी पौधे नहीं बन सकते थे, इसलिए आप सभी के पौधे मेरे दिए गए बीजों से नहीं निकले हैं। सत्यवीर ने पूरी ईमानदारी से वही बीज बोए जो मैंने उसे दिए, इसलिए उसके गमले में कोई भी पौधा नहीं है। एक राजा जब तक खुद ईमानदार नहीं होगा, वो अपनी प्रजा का ख्याल भी ईमानदारी से नहीं रख सकता। सभी अपनी चोरी पकड़े जाने पर बहुत शर्मिंदा हुए। सबने सर झुकाकर अपने नए महाराज सत्यवीर को प्रणाम किया और अपने अपने घर चले गए। तो देखा बच्चों, सच्चाई और ईमानदारी से किए गए काम का फल हमेशा मीठा होता है। अच्छा तो प्यारे बच्चों, अब हम जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।